बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5.1 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 - 7x। ठीक है, अब हम इसको एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लेके आते हैं तो ये -8 + 7x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको अरेंजमेंट दे देते हैं। अरेंजमेंट इस तरह से कि ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को ये हमारे पास आ जाएगा 8x2। ठीक है, अब हम इसको मिड टर्म को ब्रेक करते हैं इस अंदाज से कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -8x2, और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाए 7x + 7x। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, x² + इसके हमारे पास आ जाएंगे दो पेयर, एक तो 8x और दूसरा x। ठीक है, दूसरा हमारे पास पेयर इसका बन जाता है 4, 2x और 4x। ठीक है, अब देखें 8x को हम जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 8x² आ जाता है, जब हम इसे माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा। ये हमारे पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दिस वन इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा को अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई में तो ये 8x² आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस की सूरत में ये प्लस की सूरत में 6 बन जाएगा और माइनस की सूरत में ये 2 बन जाएगा। तो दोनों सूरतों में हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। सो हम इसको यूज नहीं करते, पहले वाले को यूज करते हैं, 8x - x = 8। ये हमारे लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब हमने यहाँ पे -8 के साथ प्लस लगाया, एक्स के साथ माइनस लगाया, ये वही रूल जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका जो मिड टर्म के साथ साइन है, मिड टर्म के साथ जो आपका साइन है वो साइन आपके ग्रेटर नंबर के साथ आएगा। दोनों नंबर्स में से जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ वो साइन आएगा जो मिड टर्म के साथ साइन है। दूसरा साइन हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली देख लेंगे, प्लस करना है तो साइन को सेम रहने देंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है तो साइन को अपोजिट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो हमने अगर हमने इसको माइनस करना है तो साइन को हम अपोजिट कर देंगे, अगर हमने इसको प्लस करना है तो साइन को सेम रहने देंगे। अब यहाँ पे दो पेयर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, एक ये दूसरा ये, इन दोनों पेयर्स को हम क्या करते हैं, इन दोनों पेयर्स में से हम एज यूजुअल कॉमन ले लेते हैं x + 8। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन अगर नहीं आ रहा तो 1 तो ऑलरेडी, 1 तो हमेशा ऐसे ही होता है कि सबके साथ डिवाइड हो सकता है, हम 1 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया है तो इस -8 को उसने पॉजिटिव 8 कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 1, कोफिशिएंट्स को लेदर कर लिया और इसको लेदर कर लिया, हमने x - 1 कॉमन लेके इस अंदर वाली वैल्यू को लिख लिया। अभी हमारे पास दो विद इन ब्रैकेट इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, और जब हमारे पास ये 0 के इक्वल आ गया तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, योर सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट 1 and -8। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं।
इसमें देखें आप एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स राइट हैंड साइड पे है, पॉजिटिव है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको इधर ही रहने देते हैं, राइट साइड से 5x को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मीन्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम इसको करते हैं 6x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा दोनों n नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। जब 6x स्क्वायर आ गया तो हमने इसको कर लेना है मिड टर्म को ब्रेक, मिड टर्म को इस अंदाज से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 6x आए। इसके लिए हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एक 6x माइनस एक्स हो जाए तो ये आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास आ रहा है 3x और 2x। अगर हम 3x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन साइन की मिस्टेक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें प्लस 6x स्क्वायर चाहिए, तो हम इसलिए फर्स्ट वाला हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हम सेकेंड वाले को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया और मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं 3x माइनस 2x, यहां पे दोनों के साथ माइनस इसलिए लगाया कि मल्टीप्लिकेशन की सूरत में हमारे पास प्लस साइन, ठीक है, और प्लस करने की सूरत में हमारे पास माइनस 5x आए। ये हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन था। सो अब हम करते हैं इसको, ये हमारे पास दो पेयर्स बन जाएंगे, इन दो पेयर्स को ले लेते हैं और इनका कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 टू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 2, x इक्वल्स टू प्लस 3, सॉल्यूशन दैट इज 2 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हम वही करेंगे, दोनों n टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 व्हिच इज इक्वल्स टू 24x स्क्वायर, हमारे पास आया 24x स्क्वायर। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है इस अंदाज से कि हमारे पास 24x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 10x आए। अब हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, एक तो हमारे पास आ रहा है 12x एंड सेकंड नंबर हमारे पास आ रहा है 6x और 4x, ठीक है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x स्क्वायर आ जाएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 10x आ जाएगा, लेकिन जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा साइन जो है वो x 24x स्क्वायर के साथ माइनस का आ जाएगा, जो कि हमें माइनस साइन नहीं चाहिए बल्कि हमें पॉजिटिव 24x चाहिए, पॉजिटिव 24x। सो सेकंड हमारे पास कॉम्बिनेशन है 6x और 4x, तो हमारे लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि हमें 24x स्क्वायर चाहिए पॉजिटिव और माइनस 10x चाहिए, तो हम इसके लिए करते हैं 3x स्क्वायर 6x 4x, दोनों के साथ नंबर माइनस लगाया क्योंकि हमें माइनस 10 चाहिए, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं
कॉमन हमारे पास जो दो नंबर्स आए हैं इनमें से कॉमन हमारे पास आएगा, एक हमारे पास ये पेयर आया, दूसरा ये पेयर आया। पहले दो नंबर्स में से हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास पहले दो नंबर में कॉमन है 3x, 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बच गया हमारे पास। सेकंड में 4x है और 8 है, 4x में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे वो 8 पे डिवाइड हो जाएगा, ये x माइनस 2 अगेन आ गया माइनस। स्टार्ट में माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला पॉजिटिव 8 माइनस 2 हो गया, 3x माइनस 4 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, हमने दो डिफरेंट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। माइनस 4 जब लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये 2 भी इधर जाके पॉजिटिव हो गया, x इक्वल्स टू x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया यानी ओवर में आ गया, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है 2 4 बाय 3। यहाँ पे ये नेगेटिव था तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, -8 इनटू 2x स्क्वायर, दोनों एंड नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16 -16x स्क्वायर, ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक इस अंदाज से करेंगे कि हमारे पास -16x स्क्वायर आए, मल्टीप्लाई करने की सूरत में, और प्लस या माइनस करने की सूरत में हमारे पास +15x आए। सो हमारे पास कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है x एंड 16x। यहां से 2x कॉमन ले लें, x प्लस 8, यहां से कॉमन लेंगे माइनस 1, ये भी x प्लस 8 आ गया, 2x माइनस 1 x प्लस 8। अब हम इसको कर लेते हैं x की वैल्यू के लिए 2x 1 x माइनस 8 x इक्वल्स टू 1 ओवर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ डिवाइड में यानी ओवर में चला जाएगा, एंड योर सॉल्यूशन सेट इज 1 बाय 2 माइनस 8।